तारीख को गुरुग्राम की जनता सिलेंडर पर अपना बटन दबा करके ये पक्का करेगी, ये तय करेगी कि आने वाला वक्त बदलाव का है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। तालियों से एक बार जोरदार तालियों से। जो गुरुग्राम की आवाज को गर्मी है उसमें अपना संडे का दिन है और लोग संडे को घूमने जाते हैं, उस बिजी शेड्यूल में से लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बड़ी गर्मी में यहाँ 3 घंटे बैठे रहे, तो ये कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सच में अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। अंकित जी, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ज़रूर ये लोकसभा बहुत बड़ी है, गुड़गांव में 9 विधानसभाएँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब 25 तारीख से निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं, नूह के गांव में भी गए हैं, गुड़गांव की अलग अलग कॉलोनियों में गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, आप एक विपक्ष हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप गुड़गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को वंशवाद से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को परिवारवाद और एक ही परिवार से मुक्ति दिलाइए, और इस बार नेता को हटा दीजिए, राजाओं को हटा दीजिए, सेवकों को लाइए और गैस के सिलेंडर पर 25 तारीख को बटन दबाइए और जन सेवकों को एक मौका दीजिए। देखिए, देखा भीम नगर में इतनी बड़ी सभा हुई है, ये सभा तब हुई है जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी आस पड़ोस में सभा कर रही है, तो मैं समझता हूँ जनता का 100% पूरा समर्थन और सहयोग हमें मिल रहा है और 25 तारीख को 100% वोट यहाँ के आसपास के बाशिंदे हमें देंगे। देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन के हर क्षेत्र में है और जो सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव में वो है कि इस क्षेत्र को एक परिवार की राजनीतिक गुलामी से मुक्त करवाया जाए, इस क्षेत्र को बम्बई से या इधर उधर से आए हुए कलाकारों से मुक्त करवाया जाए। जो मुझे लग रहा 25 तारीख के बाद वोटिंग वाले दिन ना तो रामपुरा हाउस के लोग यहाँ नजर आएंगे और ना ही मुंबई से जो पैराशूट उम्मीदवार आए वो नजर आएंगे, तो हम इन चुनौतियों को जनता के मार्फत समाधान कर रहे हैं और जनता का सहयोग और समर्थन जो मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि चुनौतियों से हम पार पाएंगे और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जिसमें मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तीनों जिले आते हैं, उसका संपूर्ण विकास करने का मैं आप मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन को भरोसा देता हूं। पर एक अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को गैस के सिलेंडर के सामने ईवीएम का बटन दबाकर आप अपने स्थानीय युवा को, अपने स्थानीय लोगों को चुनने का काम करें, जो आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हर मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मजबूती और मुखरता से उठा सकें। भारतीय संविधान में प्रावधान है प्राइवेट बिल लाने का, तो हम कुछ मुद्दों पे, कुछ जो हमारे मुद्दे हैं चाहे वो किसानों के हैं चाहे रेजिमेंट के, उन पर प्राइवेट बिल लेके आएंगे और उसमें समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये जनता में जो एक सोच, जो आपने सवाल पूछा कि अकेला क्या कर सकता है, देखो अकेला भी वहाँ बात को मजबूती से रख सकता है और मुझे पता है हम अकेले भी चाहे सरकार किसी की भी बने उनके नाक में नकेल डालने का काम अगले 5 वर्ष तक करेंगे। बीजेपी से हमारा विचार ही नहीं मिलता, इन गुजरातियों को तो भगाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, इनको वापस गुजरात भेजना है। वैसे तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, 65% से ज्यादा रिवेन्यू अकेला गुड़गांव हरियाणा सरकार को दे रहा है, पर ना तो साफ सफाई है यहाँ, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई हॉस्पिटल है, सड़कें टूटी हुई है, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी तक नहीं है यहाँ, समस्याएं तो अनेक है। अगर मैं मेवात की बात करूँ वहाँ बेरोजगारी चरम पर है, रेवाड़ी की बात करूँ, धारवाड़ी की बात करूँ तो वहाँ गंदगी भी है, अलवर से गंदा पानी भी आता है, फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही है, समस्याएं अनेक है।